तो जम्मू में जुगल किशोर शर्मा वर्सेस रमन भल्ला, कठुआ की जो सीट है, उधमपुर की जो सीट है, वहां पर लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा पहली पसंद या रमन भल्ला? बात है, इनको लगता है कि मोदी जी जिता देंगे, तो मैं इनको ये बता देता हूँ कि हर जगह मोदी जी नहीं चलेंगे। भाजपा के नेताओं का ये प्रधानमंत्री का कि आएगा तो मोदी, लेकिन वोटों से नहीं आएगा, 400 पार नहीं होगी। कुछ जम्मू वालों ने वोट दिया, आपने जम्मू वालों के साथ क्या किया? जम्मू का क्या दिया आपने? आपने डेली वेजर की 17 महीने की वेजर रोक दी, हमारे बहुत सारे डेली वेजरों को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए, यही हमें फायदा दिया? आपने जम्मू की जनता के ऊपर मीटर ठोक दिए, स्मार्ट मीटर टैक्स ठोक दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा ठोक दिए, यही आपने जम्मू के साथ इंसाफ किया ना आपको? इसलिए तो जम्मू में लोग वोट देते नहीं थे, और अब भी अगर जम्मू के लोग इनको गलती से वोट देते हैं, मैं तो कहूंगा गलती होगी सबसे बड़ी, अगर ये लोग अपनी सरकार होते हुए कुछ नहीं करवा पाए। आज आप फील्ड में जाइए, हर बंदा कहता है कि इन लोगों ने किया ही कुछ नहीं, जूते पड़ रहे हैं इनको लोगों से, लोग जूते मार रहे हैं। जम्मू की सीट आपको लगता है यहाँ से इनके खाते में जाएगी? मैम मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये दोनों हार जाए, नहीं वही चेहरे हैं जो पहले थे, इनकी तो बात दिल्ली में सुनता कोई नहीं। जुगल जी 4 बार पार्लियामेंट में बोले हैं मोदी जी के सामने, क्यों नहीं समाधान हुआ भाई? 2015 से लेकर 2022 तक तभी की वेजेस पेंडिंग है, वो भी बता दें कि किस वजह से रोकी हुई है, क्यों रोकी हुई है। तो हाल ही में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दिया है, बहुत से डेली वेजर्स पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं या नहीं है, आगे आप आवाज बनते रहेंगे नहीं बनते रहे, असमंजस की स्थिति है। मैम डेली वेजर की आवाज उठाने के लिए ही रेजिग्नेशन दी है, ये गारंटी है, किसी को सौदा नहीं करने दूंगा। मुझे पता है वो 2-4 दिन के बाद मेरे पर कोई एलिगेशन भी लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम 2 साल से लड़ रहे हैं, आपने सबने मीडिया ने कवर किया है, क्या किसी परमानेंट को हमारे साथ में देखा है? तो फिर क्यों परमानेंट लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया? ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का जो बेस था 12 जून 2022 को ही तैयार हो गया था, जब हमारे सामने एक प्रपोजल आया था कि क्या हम एजिटेशन परमानेंट एम्प्लॉयज और डेली वेजर इकट्ठे करेंगे, तो मैंने भी कुछ सवाल किए थे, जब मैंने वो सवाल किए तो वो चुभ गए। सवाल ये थे कि कल को आपका मसला हल हो जाता है तो डेली वेजर कहाँ जाएगा, तो उनका साफ जवाब था कि नहीं, फिर हम आगे एजिटेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेमोरेंडम में डेली वेजर की डिमांड आई 6 नंबर पे, तो परमानेंट की डिमांड है, जो 5 पहली प्रायोरिटी पे डिमांड थी वो परमानेंट की थी। आप लास्ट हो गए, तो हम लड़ने के लिए डेली वेजर ग्राउंड पे, और जब डिमांड रख रही चार्टर्ड ऑफ डिमांड में डिमांड आएगी तो वो 6 नंबर पे आएगी, तो रवि हंस विरोध जरूर करेगा। तो हमारे जो सीनियर थे वो भी 6 साल एक बहुत बड़े पद पे रहे हैं, अगर वो उस पद का इस्तेमाल करते तो शायद डेली वेजर की रेगुलाइजेशन बड़ी देर पहले हो चुकी होती, तो शायद उनको लगा होगा कि मैंने 6 साल इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए इस मंच तक डेली वेजर का मुद्दा नहीं लाया तो ये क्यों लेके आ गया। गरीबों की थाली में पुलाव आया है, वाकई लग रहा है कि चुनाव आया है, और सबसे ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के दिल में किसी के लिए दर्द है और किसी की चर्चा उनके जहन में है, वो डेली वेजर्स हैं, क्योंकि वो उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन इनके साथ जितना भेदभाव हुआ है जम्मू कश्मीर में शायद ही किसी के साथ हुआ, क्योंकि हर सियासी मंच पर इनका जिक्र है लेकिन समाधान कहीं नहीं है। रवि हंस जी मेरे साथ है, चुनावी रणनीति क्या रहेगी डेली वेजर्स की और किस तरह से जवाब देंगे, क्योंकि भाजपा तो लगातार यही कह रही है कि हमारे भाई हैं, यही हमारा समर्थन करेंगे, तभी हम जीत के और अग्रसर होंगे। रवि हंस जी क्या रणनीति क्या रहने वाली है इस बार? मैम सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, रणनीति स्पष्ट है, और हमने पिछले 2 साल लगभग 2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब सौदा होगा, अगर बीजेपी को डेली वेजर का वोट चाहिए तो हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। वो पहले वाली तो बातें चली गई कि मैनिफेस्टो में रखेंगे, चुनावों के बाद करेंगे, बाद वाली बात नहीं होगी। तो शायद बीजेपी को लगता था कि हमें डेली वेजर की वोटों की ज़रूरत नहीं है, या डेली वेजर परिवारों के वोटों की हमें ज़रूरत नहीं है, बीजेपी ने इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। अब चाहे वो हमें भाई कहें या बाप कहें, जो मर्जी कहें, अब ये वाला डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, अब डेली वेजर इनके हक में नहीं बल्कि इनके खिलाफ वोटिंग करेगा। लेकिन इनके खिलाफ किसको समर्थन देने वाले? मैम हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, ये डेली वेजर खुद तय करेगा कि उसको कौन है जो इन लोगों को टक्कर दे सकता है। नोटा तो नहीं दबाने वाला? नहीं, नोटा से तो इनको कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। हाँ। नोटा से तो इनको फायदा ही होगा, लेकिन जो अपोजिशन में होगा, जो इनके खिलाफ जीतने की उम्मीद रखता होगा। साफ साफ शब्दों में पूछती हूँ, जम्मू में जुगल किशोर शर्मा वर्सेस रमन भल्ला, कठुआ की जो सीट है, उधमपुर की जो सीट है, वहां पर लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा पहली पसंद या रमन भल्ला, क्योंकि और कोई तो मैदान में है ही नहीं। मैम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये लोगों की पसंद है, लोगों ने वोट डालना है, मेरा तो सीधा जाएगा बीजेपी के खिलाफ,
तो अब हमने जितना भी हमारा डेली वेजर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेली वेजर इनके हक में जाएगा। और अगर कोई जाता है बेवकूफी करता है तो वो फिर अपने बच्चों का दुश्मन है। वो तो छाती सीना ठोक के कह रहे कि डेली वेजर का समर्थन हमें हासिल है, देखिए हम ही समाधान करेंगे। मैम ये तो 4 जून को पता चलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। अगर मुझे ये बताओ कि आप समाधान करोगे, किया क्यों नहीं? 10 साल से आप लोग सत्ता में है, आज तक क्यों नहीं किया? हमें पहले ये तो जवाब दो। इनके अध्यक्ष ये कमेटी बनाते हैं, 5-5 मेंबर उसमें रखते हैं, 3-3 पूर्व मंत्री होते हैं, सारा सारी ए से जेड तक पावर इनके हाथ में है, वो समाधान नहीं कर पाती। भविष्य में यही लोग, कोई चेहरा बदला तो है नहीं, वही चेहरे हैं जो पहले थे। इनकी तो बात दिल्ली में सुनता कोई नहीं। जुगल जी 4 बार पार्लियामेंट में बोले हैं मोदी जी के सामने, क्यों नहीं समाधान हुआ भाई? पहले इन चीजों का जवाब दो ना। मोदी जी ने भी तो कहा था ललकार रैली में। नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा था, जुगल जी ने ही कहा था, तब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, मोदी जी के सामने कहा था कि हमारा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, 370 और 60,000 डेली वेजर परिवार। वोट लेने के लिए तो नहीं उस समय भाषण में आपका जिक्र हो गया? मैं वोट ही तो लिए थे, और किया क्या इन्होंने डेली वेजर के साथ? वोट लिए, उल्टा 17 महीने की वेजेस रोक दी, वो तो इन्होंने ही रोकी है ना, 2015 से लेकर 2022 तक इन्हीं का पीरियड है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, जम्मू में भी भाजपा कोलिशन में थी, तभी की वेजेस पेंडिंग है। वो भी बता दें कि किस वजह से रोकी हुई है, क्यों रोकी हुई है, क्या जम्मू वालों को यही सिला दिया? आप कहते थे कि कश्मीर वालों ने ये कर दिया, कश्मीर वालों ने अपने लोगों को लगा दिया। भाई उनको कश्मीर से वोट मिलता था, उन्होंने कश्मीर के लोगों को फायदा दिया, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया, समझ में आ गया कि जब उनको वोट कश्मीर से मिलता था उनको कश्मीर को फायदा देना था। आपको जम्मू वालों ने वोट दिया, आपने जम्मू वालों के साथ क्या किया? जम्मू को क्या दिया आपने? आपने डेली वेजर की 17 महीने की वेजेस रोक दी, हमारे बहुत सारे डेली वेजरों को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए, यही हमें फायदा दिया? आपने जम्मू की जनता के ऊपर मीटर ठोक दिए, स्मार्ट मीटर टैक्स थोप दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा थोप दिए, यही आपने जम्मू के साथ इंसाफ किया ना आपको? इसलिए तो जम्मू में लोग वोट देते नहीं थे, और अब भी अगर जम्मू के लोग इनको गलती से वोट देते हैं, मैं तो कहूंगा गलती होगी सबसे बड़ी, अगर ये लोग अपनी सरकार होते हुए कुछ नहीं करवा पाए। आज आप फील्ड में जाइए, हर बंदा कहता है कि इन लोगों ने किया ही कुछ नहीं, जूते पड़ रहे हैं इनको लोगों से, लोग जूते मार रहे हैं इनको, सामने नहीं हो पा रहे। जो बयान भाजपा के नेताओं का, ये प्रधानमंत्री का कि आएगा तो मोदी ही, को कैसे देखते हैं? मैम सब कुछ इनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोटों से नहीं आएगा। 400 पार नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। जम्मू की सीट आपको लगता है यहाँ से इनके खाते में जाएगी? मैम मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये दोनों हार जाएंगे, और अगर ये दोनों हार जाएंगे ना तो शायद कहीं ना कहीं जुगल के लिए मुझे भी दुख होगा। आपको क्या दुख हो रहा है? क्योंकि 4 बार उसने पार्लियामेंट में मुद्दा रखा है, तो गर्दन हम काटना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, गर्दन को वोट भी तो नहीं दे रहे हैं ना? नहीं देंगे ना, इशारों में आप तो जवाब नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल नहीं दे, हम साफ कह रहे हैं, इशारे नहीं कर रहे, हम साफ कह रहे हैं, और इनको मुंह पे बोला हुआ है, इनको पूरा मौका दिया था कि भाई संभाल लो, हम आपके खिलाफ जाएंगे। हमने इनका अगर थालियां इनके दफ्तर में बजाई, उसका कारण यही था ये समय से जाग जाएं, हमारे साथ इंसाफ करें। जितेंद्र सिंह जी के घर पे गए 22 फरवरी 2022 को, यही एक कारण था कि इनको होश आए, इनको पता चले कि जम्मू के लोग आने वाले समय में हमारा विरोध कर सकते हैं, इसीलिए जगाने की कोशिश की थी, नहीं जागे। फिर हमने इनकी शोक सभा कर दी, कारण यही था कि आज ये दिल्ली में जाके कहें कि देखो हमारी जनता हमारा क्या हाल कर रही है, जनता के मुद्दे हल करो। ये नहीं बोले, इनको कुर्सी प्यारी थी, इन कुर्सी नहीं छोड़ सकते थे, ये बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई पाए मोदी जी को। फिर हमने इनका जब शोक सभा भी हो गई, फिर हमने शपथ ली कि इनको ये एहसास हो जाए कि आने वाला समय हमारे लिए खराब है, लेकिन ये सोए रहे, इनको ऐसी गाड़ियां मिली। एहसास हुआ ना म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जो थे वो आगे बढ़ गए। मैम अभी ये भी तो बढ़ा देते आगे तो ठीक रहता है इनके लिए, प्रधानमंत्री की बात है, इनको लगता है कि मोदी जी जिता देंगे, तो मैं इनको ये बता देता हूँ कि हर जगह मोदी जी नहीं चलेंगे, कहीं कहीं खुद की भी दिखानी पड़ती है। अगर 10 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठने के बावजूद अगर आपको मोदी जी के सहारे पे ही इलेक्शन कंटेस्ट करनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि आप लीडर कहलाने के लायक हो। अच्छा, हाल ही में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दिया है, बहुत से डेली वेजर्स पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं या नहीं, आगे आप आवाज बनते रहेंगे नहीं बनते रहे, असमंजस की स्थिति है। मैम डेली वेजर की आवाज उठाने के लिए ही रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ डेली वेजर की एजिटेशन का सौदा नहीं हो सकता, ये गारंटी है, किसी को सौदा नहीं करने दूंगा मैं। ये सिर्फ मेरा एक ही सवाल रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन आज मुझे पता है वो 2-4 दिन के बाद मेरे पर कोई एलिगेशन भी लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम 2 साल से लड़ रहे हैं, आपने सबने मीडिया ने कवर किया,
क्या किसी परमानेंट को हमारे साथ में देखा है? क्या किसी ने हमारा समर्थन किया? अगर ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट और डेली वेजर के लिए इक्वल थी तो फिर क्यों परमानेंट लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया, क्यों हमारा साथ नहीं दिया? बल्कि साथ देने के बजाय परमानेंट जो लोग थे उन्होंने हमारी स्ट्राइक के दौरान 18-18 घंटे काम किया। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का जो बेस था वो 12 जून 2022 को ही तैयार हो गया था, जब हमारे सामने एक प्रपोजल आया था कि क्या हम एजिटेशन परमानेंट एम्प्लॉयज और डेली वेजर इकट्ठे करेंगे। तो मैंने भी कुछ सवाल किए थे, जब मैंने वो सवाल किए तो वो चुप गए, क्योंकि शायद उनको लगता था जी बोलना शुरू कर दिया। सवाल क्या थे भाई? सवाल ये थे कि कल को आपका मसला हल हो जाता है तो डेली वेजर कहाँ जाएगा? तो उनका साफ जवाब था कि नहीं, फिर हम आगे एजिटेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जब आप हमारा साथ का आंकड़ा कितना और परमानेंट का कितना है? मैं मेरे ख्याल में 4-5 हजार परमानेंट होंगे और 22 हजार डेली वेजर है। और एक फिर मेमोरेंडम बना, मेमोरेंडम में डेली वेजर की डिमांड आई 6ठे नंबर पे, तो परमानेंट की डिमांड है जो 5 पहली प्रायोरिटी पे डिमांड थी वो परमानेंट की थी। आप लास्ट हो गए। तो हम लड़ने के लिए डेली वेजर ग्राउंड पे, और जब डिमांड रख रही चार्टर्ड ऑफ डिमांड में डिमांड आएगी तो वो 6ठे नंबर पे आएगी, तो रवि हंस विरोध जरूर करेगा। मैं पोस्टों के लिए कभी ना लालच था, ना पहले भी कई बार बोला है कि मैं पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपनी डेली वेजर के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि शायद आप ही के चैनल पे वो मेरा वीडियो चला था, जो मैं कटरा में एक प्रोग्राम हमारा हुआ, तो हमारे जो सीनियर थे वो भी 6 साल एक बहुत बड़े पद पे रहे हैं, अगर वो उस पद का इस्तेमाल करते तो शायद डेली वेजर की रेगुलाइजेशन बड़ी देर पहले हो चुकी होती, तो शायद उनको लगा होगा कि मैंने 6 साल इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए इस मंच तक डेली वेजर का मुद्दा नहीं लाया तो ये क्यों लेके आ गया। और मुझे जहां मौका मिलेगा, जहां तक मैं अपनी आवाज पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचाऊंगा, पर्सनल एफर्ट्स लगा के भी पहुंचाऊंगा। और एसोसिएशन चलती है वर्करों के सर पे, अगर मेरे वर्कर कुछ साथी ऐसे 10-20 हैं पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर जो मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। ये मैं उसके लिए मुझे कोई भी पद छोड़ना पड़े, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़े, मैं एक बार भी पीछे सोच। यूनाइटेड फ्रंट के साथ तो है ना, आप अपने डेली वेजर्स के साथ तो है ना, परमानेंट के साथ नहीं है, लेकिन आपका जो डेली वेजर है जो आपको लगातार ये कहते हैं कि आप आवाज बन रहे हैं, आप उनके साथ तो है? बिल्कुल डेली वेजर के साथ हूँ, बिल्कुल जो भी होगा डेली वेजर के लिए ही होगा और उसके बेहतरी के लिए होगा। मैंने एक ही बात कही कि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई ये अपने दिमाग से निकाल दे कि एजिटेशन डेली वेजर करेगा और बेनिफिट कोई दूसरा ले जाएगा, ये नामुमकिन है, वो हो चुका जो होना। तौर पर 19 अप्रैल और 26 अप्रैल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ऐतिहासिक तारीखें साबित होने वाली है, क्योंकि चुनावी तारीख है, चुनावी बिगुल बज चुका है, रणनीति तय हो चुकी है भाजपा की तरफ से कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट लेना है। तो वही डेली वेजर्स की रणनीति यही है कि भाजपा के विरोध में वोट देना है, चाहे वो कोई भी नेता हो। तो सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार विपक्ष को साथ जो है वो डेली वेजर्स का मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये हार साबित होगी भाजपा की, क्योंकि लगातार इन्हीं के नाम पर सियासत करते रहे, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, यहाँ तक कि दिल्ली हो, संसद हो, वहां पर भी इनका जिक्र हुआ, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर और बातचीत के मेज पर इनका जिक्र ना करते हुए समाधान ना निकाला गया, जिसके बाद वोट की ताकत का इस्तेमाल इस बार डेली वेजर करने वाले और वो विरोध में करने वाले। आप ये हमारे साथ बने, देखते हैं विश्व जम्मू सुहा की रिपोर्ट, बीच में दबा दो।